सर्दियों का सीजन हम सभी बागवानी करने वालों के लिए वरदान ही होता है, क्योंकि इसमें खिलते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे से फूल। और जो भी नए गार्डनर हैं उनके लिए भी यह सीजन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पौधे आसान तरीके से ग्रो भी हो जाते हैं, कोई झंझट भी नहीं होती है और कीट पतंगों का भी उतना प्रकोप नहीं होता है। इसलिए इस महीने की बागवानी मुझे बहुत पसंद है। इसकी शुरुआत तो हम लोग सितंबर से ही करते हैं। मैं नर्सरी से बहुत कम गुलदाउदी या गेंदे के पौधे लाती हूँ। गुलाब, गुड़हल वगैरह बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने गार्डन से ही तैयार कर सकते हैं। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। मेरा गार्डन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, पहले तो इससे भी छोटा था, क्योंकि तीन चार पौधों के साथ मैं गार्डनिंग की शुरुआत की थी। सिर्फ 2 साल पहले ही मैं तीन चार गमलों के साथ शुरुआत की थी अपने छोटे से टेरेस गार्डन की, और आज बढ़ते बढ़ते कुछ ज़्यादा ही पौधे हो चुके हैं। वैसे तो गार्डनिंग के रास्ते में ढेर सारी बाधाएं मेरे पास मौजूद हैं। कुछ तो मेरे स्किन एलर्जी के कारण, जो कि धूप में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कुछ छत की बनावट को लेकर के गार्डनिंग के रास्ते में बाधाएं हो जाती हैं। बरसात की वजह से छत में सीलन ना हो जाए, इसी कारण अगर चले बने तो मैं ढेर सारी जमीन लेकर उस पर अपना एक बड़ा सा गार्डन बनाने का ख्वाब देखती हूँ। खैर, ख्वाब तो ख्वाब ही हैं। ये देखिए, मैं गुड़हल के ऊपर कलम बांधी थी, अच्छे तरीके से इसके रूट्स निकल करके आ चुके हैं। वैसे तो कटिंग से लग ही जाती है, लेकिन फिर भी मुझे जल्दबाजी में पौधे चाहिए था, इसलिए मैं एयर लेयरिंग से गुड़हल इसे ग्रो की हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं ले ली हूँ इसे लगाने के लिए एक गमला, इसके छेद के ऊपर रख दी हूँ एक बजरी, और इसमें डाल रही हूँ 80% कोकोआ पीट और 20% मिट्टी। ज़्यादा कोकोआ पीट इसलिए दे रही हूँ ताकि इसके रूट्स आराम से ग्रो हो सके, ज़्यादा इसे मशक्क़त नहीं करनी पड़े अपने रूट्स को मिट्टी में फैलाने के लिए। तो कोकोआ पीट या रेत में कटिंग को या एयर लेडिंग से तैयार पौध को लगाएं, इससे रूट्स आराम तरीके से ग्रो होती है, इसे फैलने में ज़्यादा मशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ता है। मिट्टी में डालने से रूट्स में सड़न की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए मैं इसे प्रॉपर मिट्टी में नहीं डाली हूँ। रेत या कोकोआ पीट में ही पहली बार आप किसी भी कटिंग या एयर लेयरिंग से तैयार पौधे को लगाएं। इसमें भरपूर पानी की मात्रा डाल रही हूँ ताकि यह ऊपर से नीचे तक अच्छे तरीके से भीग जाए, और इसमें जो मैं मिट्टी बांधी थी तो वो भी नरम होकर के इसके रूट्स इससे बाहर आ जाएं। एक छांव वाले एरिया में मैं रख दूंगी। ये सारे पौधे हैं गुलदाउदी के पिछले साल की। मैं इस विंटर में इसी की कटिंग लगाने वाली हूँ। मैं यही करती हूँ, जब भी इसका सीजन चला जाता है तो मैं इसे सेफ रख देती हूँ, ताकि विंटर सीजन में ढेर सारे गुलदाउदी के प्लांट बस मुफ्त में ही पा सकूं। खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़ी सी सूझबूझ और थोड़ी सी केयर से हमें मिल जाती है मुफ्त में ढेरों से प्लांट गुलदाउदी के। तो ये देखिए, मैं इसके ऊपरी भाग को भी लगाने वाली हूँ और निचले भाग का जो तना होता है उसे भी लगाने वाली हूँ। तो थोड़ी सी फंगस की समस्याएं हो जाती हैं गुलदाउदी के प्लांट में, इसके वजह से इसकी पत्तियां में सड़न होने लगती हैं। देखिए, इस तरीके से कटिंग निकाल ली हूँ और इसे एक साइड रखते जाती हूँ। इसके मोटे वाले तने को भी मैं लगाऊंगी, और ये पत्ते जो बेकार हैं उसे भी कुछ मैं छांट करके निकालने वाली हूँ, कुछ तना को। और ये जो रूट्स हैं इसे भी मैं लगाने वाली हूँ, जब थोड़े से और ये ग्रो हो जाएंगे तो किसी और गमले में। तो मैं आपको दिखाते जाऊंगी वीडियो बना करके। तो कुछ तने को भी मैं काट ली हूँ कटिंग लगाने के लिए, कुछ गुलदाउदी के ऊपरी भाग को भी मैं काट ली हूँ। अब लगा करके दिखाती हूँ आपको। 50% गार्डन सॉइल, 25% रेत और 25% कोकोआ पीट, सभी को मिला करके मैं मिट्टी तैयार कर ली हूँ, और तैयार मिट्टी के ऊपर छिड़क देती हूँ थोड़ा सा साफ फंगीसाइड। जो भी मैं तना लगाने वाली हूँ उसमें लगाती हूँ थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन, और एक लकड़ी के सहारे मिट्टी में छेद कर देती हूँ। मिट्टी को अच्छे तरीके से दबा देती हूँ। दबा देने के बाद कटिंग अच्छे तरीके से लग जाएगी, इधर उधर हिल करके नहीं गिरेगी, इसलिए मिट्टी को दबाना जरूरी है। ये देखिए, कुछ इसी तरीके से मैं छेद कर देती हूँ
और इसमें कटिंग को लगा देती हूँ। इसी तरह तने के निचले भाग को मैं रूटिंग हार्मोन में डिप करती हूँ और एक लकड़ी से होल बना करके इसके अंदर इस कटिंग को लगा देती हूँ, मिट्टी को अच्छी तरीके से दबा देती हूँ। रूटिंग हार्मोन नहीं हो तो कोई बात नहीं, गार्डन से एलोवेरा के पत्ते को तोड़िए और इसे ही रूटिंग हार्मोन बना लीजिए। तो कुछ इसी तरीके से मिट्टी में छेद करते हुए और एलोवेरा के जेल में डिप करते हुए इसे मैं दबा देती हूँ। एलोवेरा का जेल भी प्राकृतिक रूप से रूटिंग हार्मोन का काम ही करता है, तो इसी तरीके से मैं सारी कटिंग को लगा दूंगी। पिछले साल मैं नर्सरी से एक भी गुलदाउदी का प्लांट खरीद करके नहीं लगाई थी, इसी तरीके से ढेर सारी कटिंग लगाई और उससे मुफ्त में मुझे मिल गए थे ढेर सारे गुलदाउदी के प्लांट। कुछ इसी तरीके से आप गुलदाउदी के प्लांट को सेव करके रखिए और विंटर सीजन में कटिंग से ढेर सारे पौधे तैयार कर लीजिए। मैं सारी कटिंग लगा करके तैयार कर देती हूँ। सारी कटिंग लग जाने के बाद इसे एक छांव वाले एरिया में रख दूंगी और 8 से 10 दिन इसे आराम से छोड़ दूंगी। इसमें रूट्स हैं और रूट्स के ऊपर ढेर सारे लीव्स आ जाने के बाद इसे भी मैं लगाने वाली हूँ। एक पॉट में देखिए मिट्टी में तैयार करके ले ली हूँ, इसमें डालती हूँ पिछले साल का जो मैं बचा करके रखी थी गेंदे फूल का बीज, उसे ही छिड़क देती हूँ। मुझे मिल जाएंगे ढेर सारे गेंदे के पौधे, वो भी मुफ्त में। विंटर सीजन के बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके की बीज को उस समय अगर आप सुरक्षित रख लें तो इस विंटर आराम से आपको ढेर सारे मुफ्त में पौधे मिल जाएंगे। गेंदे के बीज डाल देने के बाद इसके ऊपर डालती हूँ ढेर सारी मिट्टी। मिट्टी डालने के बाद इसे रख दूंगी 1 घंटे की जहाँ धूप आती हो उस एरिया में, एक तरह से छांव में ही रखना है और इसे धूप की भी आवश्यकता है तो 1 घंटे की धूप पर्याप्त है, तो उस स्थान पर आप रखें। पानी दे दी हूँ, पहली दफ़ा भरपूर पानी इसमें डाल दूंगी, ज़्यादा पानी नहीं दूंगी, सिर्फ मॉइस्चर को चेक करते रहूंगी, जब आवश्यकता होगी तभी दूंगी। तो कटिंग और बीज दोनों को मैं लगा करके तैयार कर दी हूँ और इसका रिजल्ट भी आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ बहुत सारे मैं कटिंग और गुड़हल की कटिंग भी लगा करके रखी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना मुफ्त ही होता है, आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हमें खुशी मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।